भट्टाचार्य सातवें संवाद ऐसे इसमें पांच जो टपिक है उसमें बड़े ही महत्वपूर्ण है। वो पांच टपिक में एक टपिक है श्रीमन महाप्रभु प्रयाग में श्री रूप गोस्वामी को जो शिक्षा प्रदान करते हैं। हम लोग कोशिश करेंगे महाप्रभु रूप गोस्वामी को जो शिक्षा प्रदान की है हम उसी विषय को कोशिश करेंगे चार पांच दिन तक उसको हम श्रवण करने के लिए। जब श्री कृष्णदास कल्याण गोस्वामी ये चैतन्य चरितामृत क्यों ग्रंथ लिखे, इसको पहले श्री चैतन्य भागवत ग्रंथ लिखी जा चुकी है, लेकिन पर ये चैतन्य चरितामृत ग्रंथ लिखने का क्या जरूरत है? कहते सारे गोस्वामियों ने श्री कृष्णदास कल्याण गोस्वामी को बोले, बोले प्रभु चैतन्य भागवत लिखी जा चुकी है जिसमें श्रीमन महाप्रभु की बड़ी बड़ी प्यारी प्यारी बड़ी मीठी मीठी महाप्रभु की चरित्र है, लेकिन महाप्रभु का संबंध ही कोई एक तत्व ग्रंथ है, क्योंकि जब तक कोई तत्व ग्रंथ नहीं होना बताए सिद्धांत बोलिया चित्ते नाकर अलस जा रहते कृष्ण लागे सुदृढ़, मतलब है जब कहीं पर कोई सिद्धांत तत्व दर्शन नहीं हो कहते जो वस्तु है ना उसका इतना पुष्ट नहीं होता है। जैसे कोई कहते साईं बाबा भगवान बालक ब्रह्मचारी भगवान राम कृष्ण भगवान अभी बोले महाप्रभु भगवान जैसे, लेकिन महाप्रभु क्यों भगवान है उसका क्या कारण है, महाप्रभु का फिलोसफी क्या है, जगत में महाप्रभु जगत में क्या देने के लिए आए हैं, इसलिए इसी विषय के ऊपर भी अगर कोई पुष्ट ग्रंथ नहीं हो दृढ़ ग्रंथ नहीं हो है तो वो वस्तु का कोई वैल्यू नहीं। इसलिए सारे गोस्वामियों ने कृष्णदास कविराज गोस्वामी को बोले आप कृपा करके चैतन्य चरितामृत ग्रंथ को आप रचना करो। इसलिए चैतन्य चरितामृत ग्रंथ में बताए कृष्णदास कविराज रसिक भगत मां जह कैला चैतन्य चरित गौरव गोविंद लीला सुनिते गलय सिला ताते ना हरिल मोर चित। इसी विषय पर कहते हैं कहते कृष्णदास कविराज रसिक भगत मां कहते इनका नाम कविराज है, कहते दो तरह का कविराज है, एक नंबर कविराज आपको पता है इसको बोलते डॉक्टर को बोलते कविराज, कहते इन्होंने डॉक्टर है सबसे बड़े डॉक्टर ये थी वैष्णव लोग, हमको जो बीमारी है साधारण बीमारी को तो डॉक्टर सही कर सकते हैं लेकिन हम जो रोग को बीमारी है जन्म मृत्यु चक्कर में जो हम पड़े हुए ये बीमारी को सही नहीं कर सकते, ये बीमारी बड़ी खतरनाक बीमारी है, अगर ये बीमारी को अगर कोई सही करेगा तो कौन है ये कृष्णदास, ये एक अर्थ है। दूसरा है कभी राज, कहते कवियों में जो राजा है यद्यपि कवि बहुत हुए बहुत कवि हुए लेकिन इनका नाम कविराज है, मतलब जितने कवियों में ये राजा है, जिसको श्री लोचनदास ठाकुर कहते हैं एल गौर रस नदी कादंबिनी होए आसाई लगौर देश प्रेम दृष्टि दिए कृष्णदास कविराज रसे भंडारे जतने राखिल प्रेम हेम कुंभ भारी। तो उदाहरण देते हैं कृष्णदास कविराज रसे भंडारे, कहते कृष्णदास कविराज कौन है बल्कि जिनको अंदर पूरा रसी रस है, जिनको अंदर में कृष्णदास कविराज रसे भंडारी जतन राखिल प्रेम हमको, उन्होंने क्या किया बड़े जतन पूर्वक चैतन्य चरितामृत का उदाहरण दिया कि क्या है, बोले ये एक सोने की कलसी है लेकिन उन्होंने जतन करके क्या रखा जतन राखिल प्रेम सोने रूपी घड़े में प्रेम को उन्होंने बड़े जतन पूर्वक प्रेम को उन्होंने रखा।
इसलिए चैत्र चरितार्थ का ग्रंथ कहते ये प्रेम की भंडारी, कहते प्रेम केवल प्रेम ही प्रेम, जिस ग्रंथ में प्रेम ही प्रेम है। इसलिए श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जब कोई ग्रंथ कोई जब कोई अध्याय को प्रारंभ करते थे, वो अध्याय प्रारंभ पहले एक श्लोक को उच्चारण करते, जो एक श्लोक में वो अध्याय का जो सार है वो सार को उसे अध्याय में बता देते हैं। उस श्लोक में कहते ये पहला श्लोक क्या है, बोले वृंदावनियां रसते द्वारका काले न लुप्ता नित्य शक्ति मुक्त संचार के रूपे वेतन तपुन सब प्रभो विद प्रादिव लोक सृष्टि। जैसे सृष्टि से पहले जैसे भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा जी सृष्टि हुए और ब्रह्मा जी चार तरफ में पानी पानी देखे, फिर कमल मार्ग में बड़ी तीक्त गुण संधान की लेकिन कुछ दिखी नहीं, कोई था नहीं मिला। फिर जब ऊपर आते हैं कहते व्यंजन वर्ण का सोलहवा और एकोसवा अक्षर उसमें, मतलब बोले त और उप तुम तपस्या करो। जब ब्रह्मा जी तपस्या की तो भगवान कृष्ण ने क्या की, बोले ज्ञानम में परम गुह्यम जत विज्ञान संबंधितम सह रहस्य च तदगन च गृहाणम गतितम। भगवान ने बोले देखो ब्रह्मा तुमको जो परम जो गुह्य ज्ञान है, बोले ज्ञान क्या है, ज्ञान उसे कहते जो कृष्ण कृष्ण भक्ति ज्ञान है, लेकिन ये विज्ञान का हुआ था जब कृष्ण के साथ में संगति राधा रानी मिलेगी तभी ये ज्ञान तभी विज्ञान। इसलिए बिना सच्चिदानंद उपाय सत्स्वरूप श्री बलदेव प्रभु चीत ज्ञान स्वरूप कृष्ण और आनंद स्वरूप संगति राधा रानी। अगर सत और आनंद पत्र से बात देते हुए कृष्ण बीच में केवल ये ज्ञान रूप में रह जाएंगे, वो निराकार निर्विषय मायावादी उपाधि को उपास है तो रसिक को उपास नहीं। इसलिए भगवान ने बोले पुत्र तुमको केवल ज्ञान नहीं, बोले ज्ञानों में परम गुह्यम मैं तुमको परम गुह्य ज्ञान प्रदान करूंगा। बोले वो क्या है, बोले तदगंज है, मतलब कृष्ण तो सुंदर यही है लेकिन जब राधा रानी को साथ में खड़े होते वो और सुंदर थे, लेकिन जब सखियों का साथ में हो फिर कृष्ण और भी कृष्ण और भी सुंदर दिखते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी को भगवान ने बोले मैं तुमको परम जो गुह्य ज्ञान है जो प्रेम भक्ति ज्ञान है मैं तुम्हें प्रदान करता। इसलिए भगवान ने ब्रह्मा जी के हृदय में जैसे उन्हें जब आदि कवे मुझे जत सुधे जैसे आदि कवि ब्रह्मा जी के हृदय में भगवान सारे शक्तियों को संचार की है, उसी तरह यहाँ पर भी तो गुरुदेव कहते हैं जैसे भगवान ब्रह्मा जी को बोले हैं उसके हृदय में उन्होंने सारे तत्वों को स्पर्ण किया। कहते यहाँ पर आदि कवि कौन है, बोले यह आदि कवि श्री रूप गोस्वामी। कहते आदि कवि कौन है, बोले श्री रायरामन। कहते आदि कवि श्री सनातन गोस्वामी। आदि कवि कृष्णदास कविराज गोस्वामी, बोले क्यों, बोले ये ब्रह्मा तो भगवान के सेवक है लेकिन ये लोग कौन है, बोले ये भगवान के सखी मंजर है। ये सखी ये मंजर कौन है, कहते ये सब महापुरुष का परिकर। इसलिए आदि कवि हमारे महापुरुष के जितने भक्त हैं ये सब के सब आदि कवि। इसलिए महापुरुष ने श्री रूप गोस्वामी के हृदय में जिसके लिए पता है ततान रूपम, ततान मतलब होता है विस्तार करना, उन्होंने श्री रूप गोस्वामी का हृदय में ये सारे तत्व को उन्होंने विस्तार किया, सारे तत्व को उन्होंने विस्तार किया। बोले भैया कौन सा तत्व को उन्होंने विस्तार किया है, बोले वृंदावनियम रस के कहते वृंदावन की जो रस के लिए वार्ता, बोले भैया रस के लिए वार्ता क्या है, बोले राधा कृष्ण की जो निवृत्त निकुंज जो लीला है, राधा कृष्ण की
जो निवृत्त जो निकुंज लीला है यही रस के निवारता है। राधा कृष्ण जो दिव्य दिव्य निकुंज में जो विहार करते हैं, राधा कृष्ण की अद्भुत अद्भुत लीला जिसको चैतन्य चरितामृत में अगर हम आगे आगे पाठ करेंगे और श्री गुरु गोविंद स्वामी की अगर ग्रंथों को हम अध्ययन में करेंगे फिर हमें पता चलेगा श्रीमन महाप्रभु रूप गोस्वामी के हृदय में क्या उन्हें दिव्य लीला उन्होंने क्या प्रकाशित किया है। इसलिए कहते काले में लुप्त कहते ये जो भक्ति है ये क्या होता है धीरे 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 कभी भक्ति जगत में जुहार और घट जाता है। जुहार को समझते हैं ना, जैसे जुहार मतलब तो पानी जैसे पनती है, भट्टा मतलब होता है धीरे 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 पानी जैसे घटते जाते हैं। कभी ये भक्ति जगत में भी कभी कभी जुहार भट्टा भक्ति जगत में आती है। जैसे श्रीमन महाप्रभु है एकदम भक्ति की उन्होंने पूरा के पूरा अपने भक्ति की बात लिया, भक्ति की उन्होंने बाढ़ लिया, लेकिन उसके बाद में फिर क्या हुआ, फिर धीरे 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 ये भक्ति घटने लगी। रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी आए, इसके बाद में श्री जीव गोस्वामी नरक श्यामानंद श्रीनिवास ये लोग आए, लेकिन फिर क्या हुआ, फिर धीरे 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 भक्ति भी धीरे 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 भक्ति घटते गया घटते गया। तो फिर कौन आए, श्री भक्त विनोद ठाकुर जी आए, उसके बाद में श्री प्रभुपाद भी आए, और प्रभुपाद आकर के भक्त विनोद ठाकुर आकर के उन्होंने क्या किया, फिर भक्ति को भक्ति के बाढ़ लिया। जब बाढ़ ले आएंगे फिर उसके बाद में फिर हमारे गुरु वर्ग आए, फिर उसके बाद में उनके सब शिष्य लोग आए, ऐसे करते करते भक्ति जगत में कभी कभी बड़ी उफरती है, बाढ़ आ जाती है, और कभी 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 धीरे धीरे क्या होता है, भक्ति धीरे 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 भक्ति घटती जाती है, और घटते 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 क्या होता है, जो पहले पहले जो गुरुवर्ग आते हैं वो बड़े नियम कानून के बड़े पक्के और भक्ति की बड़े पक्के होते हैं, सारे नियम कानून को एकदम सही सही पालन करते हुए भक्ति करते हैं, लेकिन धीरे 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 उनकी शिष्य परंपरा शिष्य होते होते भक्ति धीरे 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 जो नियम श्रृंखला हाँ जो कि सब सब धीरे 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 घटते आते हैं। जब घटते आते हैं फिर क्या होता है, फिर महाप्रभु कृष्ण फिर अपने किसी परिकर को भेजते हैं, फिर वो परिकर आगे क्या करता है, फिर भक्ति जगत में बांट ले आता है। इसलिए कभी कभी भक्ति जगत में ये जुहार भट्टा आती रहती है, इसलिए बोले काले में लुप्त तो। ये काल के द्वारा धीरे 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 ये भक्ति लुप्त तो हो जाने पर इसलिए महाप्रभु ने आकर के फिर अपना अपना भक्तों को उन्होंने सारे तत्व ज्ञान भक्ति स्फूर्ति कराया, फिर महाप्रभु ने फिर भक्ति को उन्होंने जगत में फिर बाढ़ लिया, फिर बाढ़ लिया। इसलिए कहते ये एक श्लोक के द्वारा इन्होंने उसे अध्याय में क्या बताना चाहते हैं वो एक श्लोक के द्वारा हर अध्याय को पहले वो एक एक श्लोक पर रचना करते हैं। बोले संचार के रूपे व्यंजन त्रिपूर्ण सा कहते वो जो भक्ति की जो पाठ है इन्होंने श्री संचार के रूपे कहते श्री रूप गोस्वामी के अंदर में उन्होंने ये सारे तत्व ज्ञान को उन्होंने संचार किया है। संचार किया तो प्रभो विदो प्रागिव लोक सृष्टि जिसे लोक सृष्टि से पहले जैसे और ब्रह्मांड के हृदय में ये सारे तत्व ज्ञान को स्पर्श कराया था उसी तरह श्री रूप गोस्वामी का हृदय उन्होंने सारे तत्व ज्ञान को उन्होंने स्पर्श किया है। बोले जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जयाद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद श्री रूप सनातन रहे राम के लिखा में प्रभु रे मिलिया के या आपन भवने दुई भाई विषय त्याग उपाय श्रील बहु धन दिया दुई ब्राह्मण करिल कृष्ण मंत्र कराइल दुई पुरस्कर अचिरा कृपाई वाणी चैतन्य चरण। कहते श्री
श्री रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी एक स्थान है बंगाल में जिसका नाम राम टेलीग्राम, गए होगा राम टेलीग्राम गए नहीं, इसलिए कहते हैं ब्रज श्री गौरव मंडल परिक्रमा जो लोग किए हैं वो लोग राम टेलीग्राम में गए हैं जहाँ पर श्री रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी जहाँ पर रहा करते थे वहाँ पर रूप सरोवर है और जहाँ बहुत बड़े स्थान हो गए और वहाँ पर श्री सनातन गोस्वामी को जिस जेल में राजा बंद कर दिया था कहते अभी वो जेल है इतने मोटे दीवार है और जहाँ पर उनका राज जैसे कर्मचारी जहाँ काम करते थे और राजा का जो राज भवन है मुसलमान राजा का अभी भी वो सारी चिन्ह वहाँ पर है जहाँ पर रूप गोस्वामी के साथ में श्री सनातन गोस्वामी महाप्रभु के साथ में जहाँ मिलन हुई थी अभी वो चिन्ह जब कोई गौरवमंडल परिक्रमा करते हैं रंग करना तो हमने तीन साल पहले एक बार हमने ये गौरवमंडल पर पूरा बस लेकर के पूरा भक्त लोग को लेकर के हमने गया था। बहुत बढ़िया बढ़िया स्थान है महाप्रभु भक्तों का जन्म स्थान विलास स्थान है इसलिए उस स्थान को हमने दर्शन करके आए जहाँ पर रघुनाथ दास गोस्वामी का जहाँ पर जन्म स्थान है जहाँ पर हरिदास ठाकुर जी के साथ में उनकी मुलाकात जहाँ पर बड़ी अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर स्थान है इसलिए कहते श्री राम टेलीग्राम में श्री रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी ये राम टेलीग्राम में निवास करते थे। कहते उन्होंने श्रीमद महाप्रभु से उन्होंने मिले वहीं पर स्थान है जब महाप्रभु को साथ मिले तब उन्होंने दांतों को नीचे तिनका दबा करके महाप्रभु का चरण लेट गए बोले प्रभु हम नीच जाति नीच जन्म हमने नीच जाति में जन्म लिए और ये मुसलमान का अधीन में रह करके हमने ये कर्म किए हैं हम तो निकृष्ट हम तो घृणित हैं लेकिन महाप्रभु बोले तुम नीच जाति नीचे कर्म नहीं बोले तुम्हें प्रति क्षण क्षण तुम्हें करो सर्व तीर्थ स्नान महाप्रभु बोले तुम नीच जाति के नहीं नीच कर्म नहीं क्योंकि तुम्हारे जीवा में हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे तुम्हारे जीवा में कृष्ण नाम कीर्तन कर रहा है इसलिए श्री भगवान श्री कपिल देव अपने माँ को कहते हैं बोले माँ जिसकी जीवा में बोले जीवा में नहीं जिसकी जीवा के अग्र देश में ये कृष्ण नाम कीर्तन करता है क्या समझो ये समझो पूर्व जन्म में उसने चार काम कर दिया बोले क्या है बोले सारे तपस्या कर चुके हैं सारे दान कर चुके हैं सारे तीर्थ में स्नान कर चुके हैं और उन्हें सब कुछ उन्होंने सारे यज्ञ कर चुके हैं पूर्व जन्म तक भी इसी जीवन में बोले जिह्वा ग्रे संपूर्ण जीवन में ही कहते तब भी जुहा की अग्रदेश में ये कृष्ण नाम करते हैं बोले अगर जिसको पूरा जुहा में कृष्ण कीर्तन करना है बोले भैया बड़े भाग्यवान बोले अगर कोई काना में कृष्ण का दर्शन करते बोले और भाग्यवान है बोले यदि आंखों से ठाकुर का दर्शन करते बोले और भी भाग्यवान है जो हरिकथा में आते बोले और भी भाग्यवान है इसलिए बोले तुम दोनों सारे तीर्थ में क्षण क्षण में जो कृष्ण नाम ग्रहण करते हैं बोले हर क्षण क्षण में सारे तीर्थ में नहा रहे हैं सारे दान कर रहे हैं सारे तपस्या कर रहे हैं और सारे यज्ञ कर रहे हैं क्षण क्षण इसलिए तुम अधम नहीं तुम सर्वोत्तम नहीं इसलिए महाप्रभु के साथ में उन्हें राम के लिए राम गुरु गोस्वामी सनातन गोस्वामी की वहीं पर उनको साक्षात कर हुए अभी दोनों भैया अभी सोच रहे हैं कि राजकार्यों को हम कैसे त्याग दें राजकार्यों को कैसे त्याग दें सोच रहे हैं कैसे त्याग दे सकते हैं ये राजकार्य को छोड़ना इतना आसान नहीं इसलिए कैसे त्याग दे सकते हैं सोच रहे हैं ब्राह्मण लोगों को सेवा करके वैष्णव का सेवा करने पर जब वैष्णव की ब्राह्मण की कृपा होगी ना उनकी कृपा से ही ये विषय त्याग हो सकता है इसलिए कहते हैं
कृष्ण भक्ति दूरे रहो संसार नाम है। इसलिए महा कृपा बिना कौन कर्म में भक्ति नहीं। जब तक किसी महान संतों की वैष्णव की कृपा नहीं हो कभी विषय को कोई त्याग नहीं दे सकते। कृष्ण भक्ति दूरे रहो, बोले कृष्ण भक्ति तो बड़े दूर की बात है, ये संसार ही नष्ट नहीं होना। अभी दोनों भैया सोच रहे हैं प्रार्थना वैष्णव की आशीर्वाद कृपा से ही ये विषय से हम दूर हो सकते हैं। इसलिए उन्होंने क्या किया, दो दो पुरुष चरण किया है। इसलिए कृष्ण मंत्र पढ़ाई में दुई पुरुष चरण अचिराते पारिवारे चैतन्य चरण। इसलिए जल्दी से जल्दी कैसे श्रीमद महाप्रभु का चरण हमें प्राप्त हो, उन्होंने दो पुरुष चरण किया। कहते भैया ये पुरुष चरण क्या चीज है, कहते ये पुरुष चरण में उन्होंने कुछ नियमों को धारण करते हैं। जैसे एक बार है अभिशाप में ग्रहण करना, मतलब दिन भर में एक बार जैसे अन्न में सारी सब्जी दाल दे करके किसी तरह से भगवान भोग ला करके एक बार खाना, नाखून नहीं काटना, केस नहीं काटना, दिन में सोना नहीं, सोना तो थोड़ी समय के लिए सोना, सो करके कोई विषय एक एक विशेष विषय को लेकर के दृढ़ पूर्वक, जैसे भक्ति उन्होंने बताया कृष्ण मंत्र कराए। कृष्ण मंत्र मतलब होता है यहाँ पर जैसे गोपाल मंत्र हम जप करते हैं, जैसे ये हरे कृष्ण महामंत्र है। अभी किसी चीज को ऊपर में सिद्धि प्राप्त करने के लिए कुछ साधन, कठोर साधन की जरूरत है। जैसे प्रभुपाद ने जैसे 3-3 लाख हरिनाम करते, जैसे हरिदास ठाकुर ने 3-3 लाख हरिनाम करते थे, जैसे भक्ति विनोद ठाकुर ने भी 3-3 लाख हरिनाम किया, जिसी माला में कहते प्रभुपाद भी उसी माला में उन्होंने 3-3 लाख हरिनाम ग्रहण किया। कहते कोई विशेष शक्ति को प्राप्त करने के लिए कभी कभी ये चीज को करना पड़ता है, कभी कभी ये चीज को करना पड़ता है। कहते ना मंत्र साधन की बात शरीर पतन, मतलब ये शरीर भले ही पतन हो जाए लेकिन मंत्र के द्वारा हम साधन करके ये सिद्धि को जरूर हम प्राप्त करेंगे। इसलिए अगर कोई व्यक्ति 1 लाख हरिनाम करे, अब देखना सवेरे से लेकर शाम हो जाए, कोई अगर 16 माला भी हरिनाम करते हैं ना, देखना सवेरे से लेकर शाम तक 16 माला भी पूरी नहीं कर पाते। अगर कोई सोचे 1 लाख हरिनाम करेंगे, 1 लाख हरिनाम करेंगे, फिर तो सवेरे से लेकर रात तक नाम करते 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 कभी खत्म नहीं कर पाते। अगर कोई सोचे हमने 3 लाख हरिनाम करें, हम कितना नाम हरिनाम करेंगे, हम 3 लाख हरिनाम करेंगे, तो बताओ क्या होगा। 1 लाख हरिनाम करने के लिए कम से कम आपको 6 घंटा, कम से कम अगर जितने जल्दी से जल्दी करोगे आपको 6 घंटा लगेगा। 3 लाख हरिनाम करने के लिए कितना होगा, 18 घंटा। अगर कोई 7 घंटा, अगर 8 घंटा में 1 लाख हरिनाम करे, फिर तो 24 घंटा में सारा दिन बिना खाए पिए सोए, अगर कोई 24 घंटा हरिनाम करेगा तभी 3 लाख हरिनाम को पूरी कर पाता है। कहते अगर कोई रोज रोज ऐसे 3 लाख हरिनाम करना अगर 10-12 साल तक करे तो उसको बात सिद्ध हो जाती है। बात सिद्ध मतलब जो आप बोलोगे वो काम हो जाए। कारण क्या है, कारण है अगर एक व्यक्ति 24 घंटा ये हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, अगर ये हरे नाम करता है 24 घंटा, फिर तो विषय की कोई चर्चा नहीं, दुनियादार की कोई चिंतन नहीं, सब समय कृष्ण नाम पूरा डूब जाना पड़ेगा। जब डूब जाते हैं उसको बात सुनने लगता है, जो बोलेगा उसको मुंह से वो सही निकलेगा, सही निकलेगा, क्यों सिद्धि प्राप्त कर लेता है। इसलिए हमारे गुरु वर्ग पंडित भी इन लोगों ने ये पुरुष चरण मैंने जब जब कराया किसी मंत्र को लेकर के सिद्धि प्राप्त करने के लिए उसके लिए साधन करना पड़ता है। अब देखो ये जगत में प्रभुपाद कितने जगत में नाम कैसे हुए, जितने भी उन्होंने शिक्षा दिया है,
स्वामी महाराज का कैसे हुई और हमारे गुरु जी की कैसे हुई, इन लोगों ने एक तरह से पुरस्करण कर रहा है, इन लोगों ने पुरस्करण किया। गुरु जी जैसे 1 लाख नाम किए वो लोग भजन नहीं करते, ये भी एक तरह का पुरस्करण। जब तक हम 1 लाख हरिनाम नहीं करेंगे तब तक हम भजन नहीं करेंगे, उसमें कितने अभिष्ट लाना पड़ेगा, कितने बजे उठना पड़ेगा, तभी जा करके नाश्ता लेने से पहले 1 लाख हरिनाम को हम पूरी कर सकते हैं। प्रभुपाद जी भक्ति विनोद ठाकुर गोस्वामी सनातन गोस्वामी स्वामी महाराज जी इन लोगों ने एक तरह का पुरस्करण किया, एक तरह का ये पुरस्करण एक तरह का अगर किसी नियम को लेकर के 1 लाख हरिनाम के बगैर भजन नहीं करेंगे, ठीक है ना। इसलिए इन्होंने कहते कृष्ण मंत्र करा लो द्वी पुरस्चरण, उन्होंने दो पुरस्चरण करवा लिया। बोले क्यों, बोले पच्ची रात पाई पाए चैतन्य चरण, हमको कैसे जल्दी से जल्दी श्रीमद महाप्रभु का चरण हमें कैसे प्राप्त हो, हमें भगवत भक्ति कृष्ण चरण कैसे प्राप्त हो, इसके लिए दृढ़ता लगनी चाहिए। जब तक किसी विषय पर दृढ़ता नहीं रहते ना, कोई चीज में आप सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकते। किसी चीज आरती में आए आए तो नहीं आए, भगवान के कीर्तन में बैठे तो नहीं बैठे, कथा सुने तो सुने नहीं सुने, भजन किया तो किया नहीं किया, तो भैया ऐसे डामाडोल के द्वारा ना भगवत भक्ति, ऐसे डामाडोल भक्ति में भगवत भक्ति नहीं होता, इसमें सिद्धि भी कुछ नहीं होती है। इसलिए हमारे जितने गुरु वर्गों का भक्ति में आप नाम सुनते हैं, क्यों, जिन लोगों ने हरि नाम को भक्ति को भजन को बड़ी दृढ़ता पूर्वक जिन लोगों ने की है, वही लोग ही इतने सक्सेसफुल हो पाए, वही व्यक्ति सक्सेसफुल हो पाए। इसलिए हमें भक्ति की कोई दृढ़ चीज को हमें ग्रहण करनी चाहिए, दृढ़ चीज को हमें ग्रहण करनी चाहिए, ऐसे निकल जाए, ठीक है। इसलिए श्री रूप गोस्वामी पर गए लौकारे ते भरिया अपना रे भरे आईला गौरव खत लिया ब्राह्मण वैष्णव दिला तार अर्थ धर एक चौट घन दिला कुटुंब भर। तब श्री रूप गोस्वामी ने किया कि वो कुशा धर जाते, इसलिए उन्होंने नाव में भर करके उसमें तो सोने के मोहर है, उन्होंने बहुत धन को लौका में भर कर उन्होंने लेकर ला कर के उन्होंने क्या किया, उन्होंने तो उन्होंने ब्राह्मण वैष्णव को उन्होंने अर्थ धन प्रदान किया। बोले क्यों, बोले जिस धन को द्वारा उन्होंने जो धन को उन्होंने कमाया है, जब वो शिक्षा देते हैं हम कभी कभी अगर हम तन से नहीं कर सकते भक्ति, अगर हम मन से भी भक्ति नहीं कर सकते हैं, हम धन से भक्ति कर सकते हैं। क्यों, हम अपना जो एनर्जी धन की कमाने में हमें लगाए, जब धन कमाने में लगेगा वो धन जब गुरु वैष्णव की सेवा में ठाकुर जी की सेवा में लगता है उसको द्वारा क्या होता है, बोले उसको द्वारा हमारी सुकृति बनती है, उसको द्वारा हमारी सुकृति बनती है। और जब तक ये सुकृति पुष्ट नहीं होता है तो तब तक भजन नहीं होता। यही कहते हैं ना सत्संग प्राप्त गंभीर सुकृत उपसचित, जीवन में साधु संत मिलता है बोले सुकृत उपसचित, ये पूर्व पूर्व जन्म का सुकृति से ही ये साधु संग प्राप्त होता है। इसलिए जब तक सुकृत नहीं होगा, इसलिए महापुरुष कहते हैं ना ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जी, उसके बाद में बोले गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति, यदि भक्ति लता बीज को जीव कब प्राप्त करना है, ब्रह्मांड भ्रमण के को ये ब्रह्मांड भ्रमण करते करते 84 लाख जीवा जोनी भ्रमण करते करते जान और अनजान में हमारी कोई भक्ति उन्मुख स्फूर्ति हुई है, हमारी कोई भक्ति उन्मुख स्फूर्ति हुई है, कहीं अनजान में साधु को कुछ दे दिया, अनजान में प्रसाद पा लिया, अनजान में कृष्ण कथा सुन लिया, अनजान में तुलसी परिक्रमा हो गई, अनजान में कहीं हो गई तो जब सुकृति ऐसे बढ़ते 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 जब ये सुकृति एकत्र हो जाती है, ज्यादा हो जाती है,
भगवत इच्छा से क्या होता है, हमें वैष्णव का दर्शन, फिर हमें भगवत भक्तों का दर्शन हमें प्राप्त होता है। इसलिए उन्होंने जो पैसा को इतने कष्ट करके उन्होंने कमाया था, उनका जो आधार धर्म उन्होंने किया कि वैष्णव और ब्राह्मण, उस समय के ब्राह्मण वैष्णव साधारण नहीं होते थे, वैष्णव लोग तो है ही, उस समय जो ब्राह्मण भी होते थे ना पहले, वो बड़ी अपना जो वर्णाश्रम धर्म को बड़ी पक्की रूप में पालन करते थे, बड़े पक्की रूप में, अपने जैसे ब्राह्मण नहीं अपना धर्म कर्म सबके सब छोड़ दिए हैं, वो लोग बड़े पक्की रूप में अपना गृहस्थ आश्रम को पालन करना, ठाकुर को पूजा सेवा बड़े निष्ठा पूर्वक के ब्राह्मण लोग करते थे। इसलिए उन्होंने आधा धर्म को उन्होंने ब्राह्मण वैष्णव उन्होंने दे दिया, और जो एक चौथाई था अपना कुटुंब भरण करने के लिए, संसार को भरण करने के लिए उसने एक चौथाई दे दिया, और एक चौथाई उन्होंने किया कि भविष्य में कोई आपद विपत्ति नहीं आए, उन्होंने जो सज्जन व्यक्ति जो विश्वास व्यक्ति को उन्होंने उसका एक चौथाई धन उन्होंने उनको उन्होंने दे दिया, दे करके कहते बद्ध लागी चोट संचय करेला भाल भालो विप्र स्थान स्थापक रखला गौरे राखी मुद्रा दस हजारे सनातन पैर करे राखे मुनि हरे। कहते उन्होंने अभी श्री सनातन गोस्वामी अभी उन्होंने राजकाल के उन्होंने त्याग नहीं किया है, पहले श्री रूप गोस्वामी उन्होंने राजकाल जो त्याग देकर किया है, इसलिए उन्होंने कहते 10,000 मुद्रा उन्होंने उनको भविष्य के लिए उन्होंने उसको रख दिया। बोले रूप सुनिल प्रभु नीला निगमन बन पथे जाते प्रभु श्री वृंदावन रूप गोस्वामी नीला चले पाठाई तिल दुई जन प्रभु जब वृंदावन करे निगमन। अभी रूप गोस्वामी को पता चला श्रीमान चैतन्य महाप्रभु वन पथ में हो करके प्रभु वृंदावन जाए, क्योंकि उस समय में कोई रास्ता खासा उतना नहीं था, लोग चल करके जाते थे, चल चल करके जाते थे, और रास्ता में बड़ी आपत्ति विपत्ति आया करता था, नदी पार करते समय कभी कभी नदी में छुप करके चोर डाकू लोग रहते थे, कभी कभी उसको वो चोरी कर लेते थे, रास्ता में कभी छिपकाई हो जाती थी, पहले मार्ग बड़े कठिन मार्ग था चल चल करके, इसलिए उनको पता चला श्रीमन महाप्रभु ये वन पथ होकर के श्रीमन महाप्रभु श्री वृंदावन जा रहे हैं, तो उन्होंने दो व्यक्ति को उन्होंने भेज दिया, श्रीमन महाप्रभु ये वृंदावन में कब जाएंगे, उन्होंने दो व्यक्तियों को उन्होंने उसकी खबर लगने के लिए पता लगाने के लिए उन्होंने दो व्यक्ति को भेज दिया। बोले शीघ्रासी मरितार दिवा समाचार सुनिया तदन परिव व्यवहार यथा सनातन गोस्वामी भावे मने मने राजा मर प्रति करे से मोर बंधने। अभी वो दो व्यक्ति को भेज करके बोले देखो महाप्रभु कब वृंदावन किधर से जाएंगे इसका संभव है। अभी श्री सनातन गोस्वामी राज कार्य में अभी श्री सनातन गोस्वामी राज कार्य में, लेकिन अभी वो सोच रहे हैं रूप गोस्वामी का विषय छोड़ करके चले गए महाप्रभु गोस्वामी, उन्होंने विषय त्याग करके चला गया, अभी सनातन गोस्वामी अभी राज कार्य में, अभी वो सोच रहे हैं राजा जब देखा एक भाई का गया, क्योंकि जो दोनों भाई ये नवाब का एक डान हाथ और एक बाम हाथ यही दोनों ही सारे काम को यही संभाला करते थे, बोले एक भैया चला गया मतलब एक हाथ बंद हो, अभी एक हाथ चल रहा श्री सनातन, इसलिए अभी सनातन गोस्वामी सोच रहे हैं कि राजा वो बड़ी प्रीति करते हैं बड़े प्रेम करते हैं, लेकिन वो सोच रहे हैं राजा हमारे प्रीति करे एक और बंधन, ये राजा जो मेरे को इतने प्रीति प्रेम करता है कहते क्या है कहते ये बंधन का कारण होगा, ये बंधन का कारण है। देखो जब भक्ति जीव करना चाहते हैं ना कौन सा फल है,
ये प्रधानमंत्री पद में ये प्राजा की प्रधानमंत्री पद में। आप देखो भारत में प्रधानमंत्री पद को पाने के लिए कितना पार्टी, कितने लड़ाई, कितने झगड़े। लेकिन जब भक्ति है, जब भगवत भक्ति में जब हम प्रवेश करते हैं, यदि ये दुनिया की जितने सारे संपत्ति है, जगत का जितने वैभव है, उसको सामने फीकी पड़ जाती है, सारे वैभव फीकी पड़ जाते हैं। इसलिए श्री गीत गोविंद श्री उसमें कहते हैं, बोले साथी माधी का चिंता न भवती सर करे करते सासी। कहते अगर राधा कृष्ण प्रेम की एक बूंद अगर इसके आस्वादन का विषय हो जाए, एक बूंद, कहते विश्व ब्रह्मांड का सारी संपत्ति उसके सामने टूटने लगती है। इसलिए साथी माधी का चिंता न भवती सर करे करते सासी। सर करा होता है तो बिठा, बोले जैसे सर करे तुम तो कर्कश हो गए, कर्कश मतलब तुम तो कड़वा हो गए। कहते श्री अमृता बंदिता मसी, कहते हे अमृता तू तो मर जा, तू मर जा कर्कश में कोई नहीं देखना। बोले द्राक्षा द्राक्षसी, एक अंगूर रस होता है द्राक्षा रस है, वो बड़ा मधुर होता है। बोले ये द्राक्षा रस तेरे तरफ में और कोई देखेगा नहीं। बोले अधरा धरा मृतम, जगत में एक पत्नी की अधर को भी ये पुरुष लोग सर्वश्रेष्ठ रस मानते हैं। का अधरा धरा मृतम, कितने तरफ में और कोई देखेगा नहीं। बोले क्यों? बोले राधा कृष्ण का जो प्रेम है अभी वो आस्वाद का विषय हुआ है, उसको सामने सारे रस दुनिया की सारे रस उसके सामने टिकी पड़ जाते हैं, कृष्ण भक्ति अगर प्राप्त हो। इसलिए श्री सनातन गोस्वामी अभी सोच रहे थे कहाँ ये प्राइम मिनिस्टर का पद है, और हम साधारण एक नौकरी के लिए कितना कष्ट करते थे। 25 साल के तो पढ़ो पागल जैसे, 25 साल के तो पागल होकर के पढ़ो, उसको बाद में फिर 10-10 घंटा ऑफिस जाने के लिए 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा लेकर के ऑफिस जाने के लिए भागते, रास्ता में 2-3 घंटा कैसे खत्म हो जाता है। फिर घर में फिर वहां पर जाकर 10 घंटा काम करो। एक व्यक्ति को ऑफिस में एक व्यक्ति को पूछा, भैया तेरे बेटा कितना बड़ा हो गया? बोले इतना बड़ा हो गया। बोले इतना बड़ा हो गया मतलब दुनिया में इसको बोलो देखो कितना बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया। वो बोला इतना बड़ा हो गया। बोले इतना बड़ा हो गया मतलब कैसे, क्या दिखा रहे? बोले क्या करेंगे, मैं जब ऑफिस जाता हूँ देखता हूँ बेटा सोया हुआ, जब घर से वापस जाता हूँ देखता हूँ तब भी बेटा सोया हुआ। मतलब सवेरे उठ के ले जाता है ऑफिस, और जो शाम को आता है और सब सो जाते हैं, बेटा को कभी सोया हुआ देखता हूँ तब इतना बड़ा हो गया। इसलिए हम लोग ये जगत में मतलब साधारण एक नौकरी के लिए 10,000, 20,000, 50,000, 1,00,000 नौकरी के लिए हम कितने कष्ट करते हैं, कितने कष्ट करते हैं। लेकिन इसे सनातन दोस्तों आपको कौन सा नौकरी, प्राइम मिनिस्टर का नौकरी है, प्राइम मिनिस्टर का नौकरी, और तनख्वाह तो आप सोच नहीं सकते, अरब अरब रुपया जितनी तनख्वाह है। लेकिन जब भगवत भक्ति रस का आस्वादन होता है, अभी वो सोच रहे हैं ये नौकरी कैसे हमसे छूटे, ये नौकरी कैसे हम छूटे, और श्रीमान महाप्रभु का चैतन्य आए और कैसे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए अभी श्री सनातन गोस्वामी सोच रहे हैं ये राजा वर्ग जो प्रीति करता है, मतलब क्या, ये संसार में जो प्रीति है ना, हम सोचते हैं बीवी मेरे बड़ी प्यार करते बीवी, और बच्चे तो हमारे अलावा होता ही नहीं, बच्चे तो हमें छोड़ नहीं सकते, बच्चे हमें कितने प्रेम करते हैं, भैया ये दीदी ये सब के सब बन गए, हमें जो जगत को प्रेम देता है, जगत में प्रेम तो है ही नहीं। हम एक संत कह रहे थे, हम जो संसार में रह रहे हैं ना, एक बहुत बड़े भ्रम में रह रहे हैं, बहुत बड़े भ्रम में रह रहे हैं। बोले क्या भ्रम है?
बोले अमुक व्यक्ति मेरे को प्रेम करता है, दीदी मेरे को बड़ी प्रेम करती है, पिता माता हमें बड़े प्रेम करते हैं, संसार के लोग हमको प्रेम करते हैं। बोले कोई जिसको प्रेम नहीं करता वो अपना स्वार्थ से तुम्हें प्रेम करता है, असली रूप में देखो लेना कोई उसको प्रेम नहीं करता है, अभी चूंकि तुमसे कुछ मिल रहा है इसलिए वो प्रेम दिख रहा है, और मिलना बंद कर दो वो प्रेम, उसी समय में वो प्रेम सारे खत्म हो जाता है। जगत में कोई किसको प्रेम नहीं करते हैं, सबके सब अपना स्वार्थ है, कोई किसको प्रेम नहीं करते हैं। कहते ना आप कैसे हो, बोले जब तक जेब में पैसा हो, पैसा कर आप नहीं तुम कौन हो, आप नहीं तुम कौन हो। इसलिए यहाँ पर श्री सनातन गोस्वामी सोच रहे हैं राजा हमें जो प्रेम करता है प्रेम नहीं ये मेरे लिए करता है, और इतने बड़े पोस्ट को छोड़ने के लिए जा रहे प्राइम मिनिस्टर, अभी वो सोच रहे हैं अगर किसी तरह से राजा अगर मेरे प्रति नाराज हो जाएगा किसी कारण से, फिर तो ये बंधन मेरी अपने हत्या हो जाएगा, मेरे पर नाराज हो जाएगा, नौकरी छोड़ करके मैं चला जाऊंगा। इसलिए वो सोच रहे हैं राजा मेरे पर नाराज कैसे हो जाए हैं। तब उन्होंने क्या किया, एक उन्होंने बहाना बनाया, राजा जैसे नाराज हो गया क्या बहाना बनाया, बोले मैं अस्वस्थ हो गया, मेरे शरीर अभी ठीक है, लेकिन अस्वस्थता बहाना करके क्या कर रहे हैं, सारे ब्राह्मण वैष्णव को लेकर के भागवत चर्चा कर रहे हैं, और राजा के पास में खबर भेज दिया मैं अस्वस्थ हो गया। राजा सुन करके उन्हें राज वैद्य को भेजा, जाओ देखते क्या, क्योंकि सारे काम को तो वही करता है, राजा कुछ करता नहीं, बस देख करके आप तो देख करके देखने के लिए वैद्य आया, देखा भैया कोई बीमारी बीमारी कुछ है नहीं, वो तो बैठ के थे ब्राह्मण और वैष्णव को लेकर के भागवत चर्चा कर रहे हैं, भागवत चर्चा कर रहे हैं, भगवत भक्ति चर्चा कर रहे हैं। तब वैद्य वापस गया, जाकर के बोला भैया कोई तो बीमारी है नहीं, तो बड़े मस्ती से भागवत चर्चा कर रहे हैं, हरि चर्चा कर रहे हैं, हरि कीर्तन में मस्त है, हरि कीर्तन में मस्त है। अभी ये खबर सुन करके जो राजा है बोले देखो एक तो तुम्हारी छोटे भैया गया, वो गया संसार छोड़ करके, वो राजकार्य छोड़ करके गया, अभी तुम भी ऐसे लीला कर रहे हो है, तुम भी बताओ अभी मेरी क्या हो, अभी क्या होगा करें। इसलिए राजा उसी समय में श्री सनातन गोस्वामी को अपने बंदीशाला में बंद करवा दिया। जब जिस समय वो उड़ीसा जा रहे थे, उड़ीसा जा रहे थे, सनातन गोस्वामी को बोले मेरे साथ में उड़ीसा का लोग युद्ध के लिए, बोले नहीं मैं नहीं जा सकता, बोले क्यों, ये मुसलमान लोग उड़ीसा क्यों जा रहे, बोले जो उड़ीसा है वो बड़े भक्तिमान लोग वहाँ के, हर जगह पर भगवत मंदिर है, लेकिन मुसलमान लोग क्या करते थे सारे मंदिर को तोड़ते थे, सारे मंदिर को तोड़ते थे, इसलिए बोले मैं तुम्हारे साथ में नहीं जा सकता हूँ। इसलिए राजा ने देखा अगर पीछे अगर सनातन गोस्वामी भाग गया फिर तो फिर दोनों हाथी गए, इसलिए उन्होंने क्या किया उनको एक बंदीशाला में उन्होंने बंद करवा दिया, और जिस जेल में बंद कर दिया था ना, हम लोग जब गए थे देखा वो जेल देख लेता है जहाँ पर श्री सनातन गोस्वामी को बंदी किया था, वो जो दीवार था ना इतनी मोटी दीवार है जिसे बंदी में किया था, और ऐसे ऐसे मंदिर है ना इतना इतना बड़ा था, पूरा इतना बड़ा इतने मोटे दीवार था, अब गए थे ना इतने मोटे दीवार है, और वहाँ पर सब गेट लगा हुआ जैसे इससे किसी तरह से तोड़ करके जैसे इससे बाहर जैसे कोई निकल नहीं सके, इसलिए उन्होंने चेयर उन्होंने बंद करवा दिया। जब बंद करवा दिया अभी वो कोशिश कर रहे हैं कैसे यहाँ से निकले, अभी जो जेल कीपर था बोले देख एक दिन मैं तेरे कल्याण मिला कि नौकरी मैंने तुम्हें मिला है, अभी तुम्हें मेरे प्रति कृपा करना पड़ेगा, बोले क्या करना पड़ेगा, बोले मेरे को ये जेल से निकाल, बोले निकाल दूंगा क्या मेरे को मरवाना चाहते। उन्होंने देखा क्या किया जाए, फिर उनको उन्होंने स्वर्ण मुद्रा उनको 6-7 हजार स्वर्ण मुद्रा उनको सामने डाल दिया, ले ये सबके सब स्वर्ण मुद्रा ले,
7,000 सुवर्ण मुद्रा, बताओ कितना हुआ इतने। अभी उसको देख करके तो उसको जीभ में पानी, उसको जीभ में पानी आ गया, क्योंकि जिंदगी भर काम करते करते इतने पैसा कमाए, वो कमा ही नहीं सकता है, तो किसी तरह से छोड़ना नहीं। थोड़ी सी आ गया, लेकिन अभी भी मन मन में कुछ सोच रहे हैं, और भी मुद्रा डाल दिया। उसको देख रहे थे तो पागल हो गए, चलो अभी ये बताओ आपको तो छोड़ दूंगा। राजा ने कहे तो कुछ का मैं क्या उत्तर दूंगा, बोले चिंता नहीं, उसका मैं रास्ता बता दूंगा। तो ये बताना, जब वो पहले तो आटा के बाद था, पहले उनको पकड़ करके जंगल में उनको शौच क्रिया के लिए ले जाते थे, और उनको स्नान करने के लिए गंगा में स्नान करते थे। अभी भी वो घाट वहाँ पर है जहाँ पर ये स्नान करते थे। इसलिए आप बोलना हम उनको ले गया था शौच क्रिया के लिए, इसको बाद में जब ये गंगा में स्नान करने के लिए गए, पता नहीं डुबकी लगाए तो पूरा ही डुबकी लगा दी, वो निकले नहीं। उन्होंने कहा मैं यहाँ छोड़ कर बड़ी दूर तक चला जाता, मेरे को पता लगाने पर भी कोई पता नहीं लगा सकते हैं, मैं जंगल जंगल होते हुए मैं कहीं दूर देश में चला जाता, बस तुम्हारे भी काम बन गया और मेरे भी काम बन गया, दोनों का काम बन गया। इन्होंने ये बहाने बना करके श्री सनातन गोस्वामी उनने जेल से मुक्त होकर के जंगल का रास्ता देकर के श्री सनातन गोस्वामी जा रहे थे। लेकिन जाते समय उनको साथ में उनका एक सेवक था, जिसका नाम था क्या था, सेवक का नाम क्या था, ईशान, यदि ईशान था उनको साथ में। वो जाते समय श्री सनातन गोस्वामी राज मंदिर थे, रास्ता में कोई है सुविधा असुविधा के लिए उन्होंने साथ में कुछ स्वर्ण मोहर को साथ में लेकर गए थे। लेकिन पहले पहले ना बड़े 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 ज्योतिष होते थे, बड़े बड़े ज्योतिष होते थे, पता नहीं कौन सा ज्योतिष उनके पास में था, भैया पहले से पता लगा लेते थे कितने लोग आ रहे हैं और उनके पास में कितने स्वर्ण मोहर भी पता लगा रहे, अद्भुत है। और एक काक विद्या होता है, काक विद्या मतलब उनको कुछ कौओं को पार करके रखते थे, अगर कौए अगर देख लिया कोई यात्री आ रहे थे वो पैसे काका पैसा होना अपने काका काका करके बोलने लगते, ये काक विद्या। और उनकी बोली से उनको पता चल जाता था इनको पास में कितने पैसा और किया है, तो उसी का बोली से पता चलता था ये इनके पास में कितना पैसा और क्या किया है, अपने आप पता चलता था। अभी उन्होंने बड़े आदर बड़े जतन करके कर रहे हैं, बोले रात को ही उठ जाओ, हम कल सवेरे आपको ये पहाड़ को पार करा के आपको हम पहुंचा देंगे। लेकिन सनातन गोस्वामी बड़े बुद्धिमान, सारा दुनिया को उन्होंने चला, इसी जगत ये जगत ऐसे एक जगत है ना, जगत में कहते स्वार्थ लागी सब करे कृति, जगत में ऐसे आपको कोई भी कृति नहीं करेगा, कोई जगत में तुम्हें कृति नहीं करेगा। क्यों कृति करते हैं, स्वार्थ को लेकर के जगत में सब वृत्ति करते, स्वार्थ के बगैर जगत में वृत्ति जगत में है ही नहीं। जगत में ये संसार कैसे है, जैसे गन्ने है ना, गन्ने को मशीन में देखते जब पूरा का पूरा जूस निकल जाएगा उसको फटेगा, फेंकेंगे नहीं, जलाकर रोटी बनाएंगे, जलाकर तो फिर रोटी बनाएंगे। कहते ठीक उसी तरह की दुनिया है, जगत में बगल स्वार्थ से कोई जगत में प्रेम जिसको नहीं करते हैं, बोले भैया जिससे हमारा कोई संबंध नहीं, ये इतने हमें बुद्धि प्रेम क्यों करते हैं, जल काल उनके जो काल है। तब किसान को पूछा भैया मेरे पास कुछ है ना क्या, बोले हाँ रास्ता के लिए मैंने 8-7 स्वर्ण मोहर लेकर के आया। बोले भैया तुम भजन के लिए जा रहे हो, काल क्यों लेकर के आए, मैं तो यही सोच रहा था ये हम इतनी कृति क्यों कर रहे हैं, उनको पता चले गया हमारे पास में सोने की मोहर है, बोले जल्दी जल्दी दो, फिर उनको देख के
बोले हमें ये जंगल पार करा दो। इतने में बोले आपके पास में सात नहीं, उसके पास में और एक है, और भी एक स्वर्ण मुद्रा है। अच्छा हो गया, आज रात को अब तो हम मार करके आपको मार करके ये स्वर्ण मुद्रा लेंगे। आप लोगों ने हमें पाप से हमें बचा दिया, कोई बात नहीं, अब स्वर्ण मुद्रा आप ही रखो और अब तो हम पार कर देते हैं। इसलिए श्री सनातन गोस्वामी ने कहा अगर आप तो छोड़ दोगे लेकिन आगे फिर कोई छोड़ेगा फिर है। फिर उन्होंने किसान को बोल दिया भैया तुम भी हम भजन करने का भी तुम लायक नहीं, अभी तुम्हारे अंदर में संचय करने का वृत्ति है, जब तक ये संचय करने का वृत्ति तब तक तुम भजन करने का लायक नहीं जाओ, अपना अपना घर में तुम वापस चले जाओ, अभी तुम भजन करने का लायक नहीं। ऐसे सनातन गोस्वामी उनको सारे स्वप्न मोहन देकर सनातन गोस्वामी भजन करने के लिए चल पड़े। उसके बाद में क्या हुआ फिर हम कल सुनेंगे। उसके बाद में क्या हुआ, महाप्रभु के जो रूप गोस्वामी से मिले, रूप गोस्वामी को उन्होंने क्या शिक्षा दिया फिर हम कल सुनेंगे। ठीक है महाराज, आठ समय कथा बोल की बोले आठ समय आठ समय आठ समय की कथा पढ़ दे रहा हूँ। क्या करो शांत महाराज नहीं शांत महाराज देखें बच्चा को जरूर कृपा से पिता पावन।